Hello my dear students, I am CA Saili Limay and in this video we are going to discuss how to plan day wise. Okay, so aapke paas 3 months hai for your November 2020 exam. So already humne portion wise test series ke timetable through aapko small targets set karke diye hai. But us small targets ka bhi aapko day wise plan banana chahiye. जनरली जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम हमने ऐसे डिसाइड किया है कि 15 डेज में हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, देन नेक्स्ट 10 डेज में दूसरा सब्जेक्ट. तो उनका सिर्फ ओरली प्लान रेडी रहता है, लेकिन उस 15 डेज में अगर एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है तो एक दिन में कितने टॉपिक्स या कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं उसका टारगेट कुछ भी सेट नहीं रहता. करेक्ट. सो अगर आप स्मॉल टारगेट जैसे फर्स्ट रीडिंग कब ख़त्म करना है, सेकंड रिवीजन कब ख़त्म करनी है, देन थर्ड रिवीजन, ये प्लान किया है आपने, तो उसके बाद आपको और डिटेल प्लान करना पड़ेगा जो कि रहेगा आपका डे वाइज प्लान. ओके. अभी आप सबको पता है कि ट्रिप्स तो आप सब लोग मिस कर रहे हो, मैं भी ट्रिप्स को मिस कर रही हूँ. तो आप जब भी कौन से भी ट्रैवलिंग एजेंट थ्रू या जो ट्रैवलिंग कंपनीज है उनके थ्रू ट्रिप्स के लिए जाते हो या आप खुद भी ट्रिप प्लान करते हो तो उसमें भी आपका डे वाइज प्लान रेडी रहता है. करेक्ट. अगर आपकी 15 डेज 10 डेज की ट्रिप है तो उसमें भी आज के दिन कौन सा साइट सीइंग करना है, दूसरे दिन क्या देखने जाना है, तो जितने भी साइट सीइंग के पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो रहे हैं ना आपके 10 डेज या 15 डेज के ट्रिप में. वो पूरा प्लान हमें वो ट्रैवलिंग कंपनी देती है. या अगर हम खुद प्लान बनाते तो भी हम इंश्योर करते हैं कि सारे साइट सीइंग के पॉइंट्स कवर हो रहे हैं ना. करें. एंड हम ये भी देखते हैं कि एक दिन में हेक्टिक नहीं होने वाला है ना, तो हम वहाँ पे भी डे वाइज प्लान अगर बनाते हैं तो हमारे स्टडीज़ में भी हमें डे वाइज प्लान बनाना चाहिए. तो ये डे वाइज प्लान आपको कैसे बनाना है, सो लेट्स सी. तो मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर बोथ दी ग्रुप, एंड सेकेंड जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं नवंबर 2020 में. ओके. सो आपको पोर्शन वाइज सिलेबस के डेट्स ऑलरेडी पता है. मैंने लास्ट वीडियो में पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था. जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी का फॉर्म देती हूँ, लिंक देती हूँ उसकी, वो फॉर्म फिलअप करना सो दैट यू विल गेट एंटायर टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ दी टेस्ट सीरीज. सो जिनको टेस्ट के डेट्स पता नहीं है तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग डेट्स लिखे हैं. सो बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं टेस्ट वन दोनों की 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और जिनका सेकेंड ग्रुप है तो उनकी सेकेंड ग्रुप की टेस्ट वन जो है वो 17 अगस्त से है. ओके. सो जो सिंगल ग्रुप का बॉक्स है उसमें मैंने ग्रुप वन के स्टार्टिंग डेट्स एंड ग्रुप टू के स्टार्टिंग डेट्स लिखे हैं. सो टेस्ट वन जो है आपकी वो 40% सिलेबस की है. करें. सो आज डेट है 24th of July. सो अराउंड आपके पास 10 to 15 डेज है. करें. 15 डेज है फॉर योर टेस्ट वन. करें. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको 15 डेज में 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं, एंड जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको 15 डेज में 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं. सो अगर आप 15 डेज डिवाइडेड बाय 8 सब्जेक्ट करते हो तो यू हैव ऑन एन एवरेज 2 डेज पर सब्जेक्ट, एंड सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है अराउंड 4 डेज पर सब्जेक्ट. ओके. उसके बाद टेस्ट वन जो 40% सिलेबस की है, उसके बाद टेस्ट टू 80% सिलेबस की है. सो टेस्ट वन एंड टेस्ट टू के बीच में अगेन 15 डेज की गैप है. टेस्ट टू के बाद टेस्ट थ्री है फुल सिलेबस की, अगेन टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री में 15 डेज की गैप, एंड टेस्ट थ्री एंड टेस्ट फोर में 15 डेज की गैप है. ओके. सो टेस्ट फोर जो है वो फुल सिलेबस का और एक राउंड है. तो हर एक टेस्ट के बीच में आपको 15-15 डेज की गैप है. ओके. सो ये 15 डेज जो है उसको और डे वाइज प्लान कैसे बनाना है वो हम देखते हैं. ओके. सो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन
टू बी डन डेली, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके सो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी टेस्ट वन 40% के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं, एंड नंबर ऑफ डेज आपको ऑलरेडी पता है वो है 15 डेज, करेक्ट. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टेस्ट वन के जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक का जो स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो काउंट करोगे, एंड जो पास्ट आरटीपीज है, आपके पास अभी तक 5 आरटीपीज रहेंगे न्यू सिलेबस के स्टूडेंट, एंड जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पास्ट 5 आरटीपीज करने हैं. तो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या क्या करना है, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पास्ट 5 आरटीपीज के क्वेश्चन. तो ये आप हर एक टॉपिक के लिए काउंट करोगे, एंड देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द 40% सिलेबस टॉपिक. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल गए, नंबर ऑफ डेज आपके पास है, तो वो डिवाइड करके आपको पर डे कितने क्वेश्चन करने हैं वो मिल जाएगा. ओके सो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का प्लान अलग अलग रहता है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट लेते हैं दिन भर में, कुछ स्टूडेंट दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, कुछ स्टूडेंट थ्री सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन. तो मैं ये तीनों का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करना है. सो अगर आप एक ही सब्जेक्ट लेते हो पर डे में और आप एक ही ग्रुप दे रहे हो नवंबर 2020 में, तो आपके पास 4 दिन है अराउंड एक सब्जेक्ट के लिए करें. सो एक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल 40% सिलेबस के क्वेश्चंस आपके आ गए 40 क्वेश्चंस. ओके सो आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट ले रहे हो तो 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 4. ओके सो डेली आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं. ओके 10 क्वेश्चंस डेली उस सब्जेक्ट के करने हैं. ये 4 डेज आपके ख़त्म हो गए, उसमें आपका 40% सिलेबस हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट का. देन सेकेंड सब्जेक्ट का भी सेम आ जाएगा, सो नेक्स्ट 4 डेज, तो यहाँ पे 8 डेज कंप्लीट हो गए. देन थर्ड सब्जेक्ट नेक्स्ट 4 डेज, 12 डेज यहाँ पे ख़त्म होते हैं, एंड बाकी के 3 या 4 दिन जितने बचे हैं वो रहेंगे आपके फोर्थ सब्जेक्ट के लिए. ओके सो आपने अगर डेली एक ही सब्जेक्ट लिया है तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है. अगर आप दो सब्जेक्ट लेते हो तो कैसे होगा कैलकुलेशन, यस करेक्ट. तो आपको 8 दिन पे स्प्रेड करने पड़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 सब्जेक्ट्स के. सो 2 सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 8 डेज. सो 8 डेज में फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे, एंड नेक्स्ट 8 डेज में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 8 डेज. ओके और आप 3 सब्जेक्ट्स डेली ले रहे हो तो आपको 12 दिन के ऊपर स्प्रेड करना है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास 12 दिन है. तो 3 सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 12, एंड बाकी के जो 3 दिन बचे हैं उसमें आप जो एक सब्जेक्ट आपका बाकी है वो लोगे. तो ये हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सब्जेक्ट डेली और 2 सब्जेक्ट डेली और 3 सब्जेक्ट डेली फॉर द सिंगल ग्रुप स्टूडेंट. सो सेम कैलकुलेशन बोथ ग्रुप के स्टूडेंट आपको करना है. अभी फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं. ओके जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत टाइम है, वो सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं 40% के टेस्ट में जो 10th August से स्टार्ट हो रही है, या सेकेंड ग्रुप की 17th August से स्टार्ट हो रही है. तो आप लोग तो सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, लेकिन बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. तो उसमें बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, आपके फर्स्ट रीडिंग में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके हर एक सब्जेक्ट के इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में जो आपको इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एंड बिग टॉपिक्स लग रहे हैं उसको टिक मार्क करो, उसकी लिस्ट बनाओ, एंड उस टॉपिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करके पर डे कितने क्वेश्चंस करना है वो काउंट करना. क्योंकि जो स्मॉल टॉपिक्स है या इजी टॉपिक्स है
उसके लिए नंबर ऑफ रिविजन्स कंपैरेटिवली कम लगती है, तो वो आपने एक दो बार भी टॉपिक रिवाइज किया तो भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फर्स्ट रीडिंग में वो नहीं आया तो भी आप नेक्स्ट रिविजन्स में उस स्मॉल टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 40% सिलेबस के टेस्ट में जो भी स्मॉल टॉपिक्स है वो अगर आपके स्किप होते हैं तो आप 80% में उसको कवर कर सकते हो। अगेन 80% के केस में अगर एक दो टॉपिक भी स्किप होते हैं तो आप वो फुल सिलेबस में भी कवर कर सकते हो। ओके, अगर आपका शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए या जिनकी अभी तक आर्टिकलशिप चल रही है और छुट्टी नहीं स्टार्ट हुई, उनके स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है, जो स्टूडेंट सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं बिफोर 10th August, उनको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करके ही टेस्ट देनी है। ओके, उसके बाद आप जो डेली स्टडी करते हो उसमें ब्रेक्स भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक 2 hours के बाद आप 10 minutes का ब्रेक ले लो, बीच में लंच ब्रेक रहेगा, इवनिंग टी ब्रेक रहेगा, करेक्ट, डिनर का ब्रेक रहेगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक 10-15 minutes ब्रेक आफ्टर एवरी 2 hours। उसके बाद जब आप जो डेली नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने काउंट किए उसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं उसको मार्क करके रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट रिविजन। मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में आपको ABC टेक्निक भी बताया है। सो ABC मतलब A मतलब इम्पॉर्टेंट, B मीडियम, C बहुत ईजी, तो वैसे भी आप मार्किंग करके रख सकते हो, या एटलीस्ट नेक्स्ट रिविजन्स में जो क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं उसको मार्क करना है, एंड वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखोगे डेली। और ये मैं बता रही हूँ बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ रीड करते हो आप, करेक्ट, ओरली रिकॉल करके भी नहीं देखते। तो एक्चुअली ओरली रिकॉल भी करके देखना चाहिए आंसर, एंड बिना देख के लिखना चाहिए आंसर, एंड देन कंपेयर करना चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो सेम आपको थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी करना चाहिए। ओके, तो ही आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगे एंड आपके थ्योरी जो सब्जेक्ट्स है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्यों स्ट्रांग रहते, क्योंकि आप उसकी एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो, लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस थ्योरी सब्जेक्ट्स क्यों डिफिकल्ट लगते, क्योंकि आप उसका सिर्फ रीडिंग करते हो एंड एग्जाम में हमें रीडिंग नहीं करना है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है हमें वहाँ पे, तो उसकी अगर प्रैक्टिस है आपको तो ही आप लिख पाओगे। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स है वो डेली 2-3 क्वेश्चंस लिख के देखते थे। ओके, मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस डेली बता रही हूँ, आपके पास अभी तक 100 days है, तो आपने डेली 2-3 क्वेश्चंस भी लिखे तो बिफोर यूर मेन एग्जाम आपके 300 केस स्टडीज या थ्योरी क्वेश्चंस लिख के हो जाएंगे। ओके, सो 300 क्वेश्चंस लिखने के बाद ऑब्वियसली आपको अबाउ 60 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है उसके इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की आप लिस्ट बनाओगे। तो हर एक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट होनी चाहिए। ये हुआ आपका फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ABC मार्किंग करना है, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड फॉर्मूलाज की लिस्ट बनानी है। देन यू विल गो टू सेकेंड रिविजन। सेकेंड रिविजन में आप क्या करोगे, पहले तो जो जिनके स्मॉल टॉपिक्स बचे हैं, ओके, वो स्मॉल टॉपिक्स करोगे कंप्लीट। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मार्क्स किया है आपने रिवीजन के लिए फर्स्ट रीडिंग के दौरान, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करोगे। एंड थर्ड थिंग यू विल डू इज पास्ट पेपर्स। ओके, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपके पास अगर क्लास नोट्स है या कुछ रेफरेंस मटेरियल है तो उसके क्वेश्चंस भी आपको सेकेंड रिवीजन में करने हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपका स्टडी का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रही हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक लिया तो उस टॉपिक के सारे जितने 40-50 क्वेश्चन है वो सारे करते बैठते हैं, करेक्ट, ऐसा ही होता है ना। फिर क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग ही आपका बहुत टाइम हो जाता है, फिर आपको
डर लगने लगता है कि अभी तक फर्स्ट रीडिंग ही चला है एंड सितंबर आ गया, फिर कब हम सेकेंड एंड थर्ड रिविजन करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको पहले सब सिलेबस खत्म करना चाहिए, सब कंसेप्ट कवर करने चाहिए एंड उसके साथ आप थोड़ी प्रैक्टिस कर ही रहे हो इलस्ट्रेशन की, एक्सरसाइज क्वेश्चन की एंड पास्ट आरटीपीस की। देन सेकेंड रिविजन में यू विल गो फॉर दी एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, पास्ट मॉक टेस्ट है, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी दिया है ICAI ने और उसके साथ आपके पास रेफरेंस बुक्स भी है। ओके, सो दिस इज द स्टडी पैटर्न फॉर योर सेकेंड रिविजन एंड थर्ड रिविजन में फिर से आप और जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सेकेंड रिविजन में जो मार्क करोगे वो फिर से आपको थर्ड रिविजन में करने हैं एंड देन यू विल गो फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट। टू राउंड्स आर देयर ऑफ द फुल सिलेबस टेस्ट। सो दीज आर द सक्सेस मंत्रास फॉर यूर इफेक्टिव स्टडीज। तो आज ही आपका डेली प्लान बनाओ। ओके, जिनको लग रहा है कि आपने जो डेली प्लान बनाया है वो एक बार मुझसे रिव्यू करके लेना चाहिए, तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो फर्स्ट नंबर इज ऑफिस नंबर एंड सेकेंड नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सो व्हाट्सएप पे आप मुझे आपने जो प्लान बनाया है उसके फोटोज भेज सकते हो। सो आई विल रिव्यू योर प्लान। मुझे देखना पड़ेगा कि आपने कुछ हेक्टिक प्लान नहीं लगाया है ना। सो आई विल रिव्यू योर प्लान एंड इफ यू वॉन्ट एनी सजेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल हेल्प यू फॉर योर सेल्फ स्टडी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स नवंबर 20 एग्जाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।